हाय डे, इट्स सोना हिराम बैक विद यू गाइस। और आज मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश पे लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए सीवियस चैलेंज। सो गाइस, आज मैं करने वाली हूँ पिंक और वाइट का कुछ कॉम्बिनेशन सीवियस चैलेंज। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। बेसिकली सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं कोरिया में, लेकिन अभी जो टेम्परेचर चल रहा है, अभी जो वक्त चल रहा है ना, वो ऐसा चल रहा है कि जो है आप दिन में जो है गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, और रात में हो जाती है अचानक से ठंड। तो मुझे निकलना है सुबह से शाम तक के लिए, तो मैंने जो है ऊपर से एक जैकेट ले ली है। वैसे मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ टी शर्ट, वहाँ पहुँच के दिखाऊँगी जहाँ मैं जा रही हूँ। तो बने रहें और देखें, और मैं आप लोगों को क्या क्या पिंक पिंक दिखा सकती हूँ। 24, वैसे तो कोरिया में जो है पिंक चीज़ें बहुत ही होती हैं, बहुत ही ज़्यादा इजीली अवेलेबल है पिंक, हर जगह हर चीज़ पिंक 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 होती है। तो मैंने सोचा कि आज पिंक सीवियस चैलेंज किया जाए, तो बने रहें इस वीडियो के साथ। तो गाइस, मैंने जो है उतार दी है अपनी जैकेट, क्योंकि हो रही है यहाँ पर गर्मी, अभी रात में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैं जा रही हूँ अभी कुछ नई जगह एक्सप्लोर करने, और आप लोगों को दिखाती हूँ, पहले अपना साया दिखाती हूँ आप लोगों को। ये हूँ मैं, मेरा साया, जहाँ भी जा रही हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहुँच के पहले ये मैं क्रॉस कर लूँ, देन और पिंक पिंक ढूंढने की कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए, क्या और मैं पिंक खा सकती हूँ या ले सकती हूँ, लेट्स सी। और क्या पिंक मिल सकता है, यहाँ बच्चे बहुत सारे हैं, वाह, चलो देखते हैं। हाय 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 हाय, आई एम हेयर, ये मेरी जैकेट है बैग में। गाइज, मुझे मिल गई पिंक कलर की बाईसाइकिल्स, ये वाली अच्छी हैं गाइज, ये इजीली आराम से चला सकते हैं। मतलब मुझे बड़ा शौक आ गया है मीनू को देख के बाईसाइकिल चलाने का, बट मुझे आती नहीं है। लेकिन आप ये देख रहे हैं, यहाँ फैमिलीज ये वाली साइकिल चला रही हैं, ये मैं चला सकती हूँ। मीनू गाओ, तो हम दोनों को ये चलानी है, जल्दी आओ। गाइज, ये वाली साइकिल देख के मुझे मीनू की याद आ गई, क्योंकि मुझे साइकिल चलाना आती नहीं, वरना अब तक मैं ट्राई कर चुकी होती। काश यहाँ पे मीनू मेरे साथ होता और हम दोनों ये साइकिल चलाते हैं। और मैं बेसिकली गाइस, कपल्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू फैमिलीज़, यहाँ पे ना बच्चों वाले और फैमिलीज़ वगैरह सारी देखने को मिल रही, तो मज़ा आ रहा है। वहाँ पे भी देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आप ऐसी जगहों पे जाओ, वहाँ पे मैं ज़्यादातर जो है नाइट लाइफ और इस तरह की जगह पे जाती हूँ, यंगस्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे मैं बेसिकली थोड़ा सा दिन का टाइम है और इन्जॉय करना चाहती थी, एक्सप्लोर करना चाहती थी, तो मैं इस जगह पे भी आई हूँ। और आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। और पिंक ढूंढना है, और कुछ पिंक साइकिल तो मैंने ढूंढ ली, पिंक कलर के मैं कपड़े पहनी हुई हूँ, पिंक कलर का कुछ खाना है, पिंक कलर का कुछ पीना है। आज का दिन पिंक के नाम है, और आज मैं आप लोगों को क्लास भी दूँगी कोरियन, और जो है कोरियन क्लास में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाती हूँ देखते जाएँ। एक पार्क था जहाँ बहुत सारे बच्चे थे, मुझे इतने सारे बच्चे शायद सोल में कभी नहीं दिखे, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। सो अब जो है आप लोग मेरे साथ कैफ़े चलें, और कैफ़े में आप लोगों को आज हम क्या सिखाएंगे, लेट्स सी। आज मेरी समझ नहीं आ रहा मैं आज आप लोगों को कौन सा अच्छा वर्ड दूँ। अभी तक जो है मुझे ऐसी कोई सिचुएशन मिली नहीं जिसमें मैं आप लोगों को वर्ड दूँ अच्छा सा कोरियन, सो उसके लिए बने रहें। क्योंकि मैंने जब लास्ट वीडियो डाली थी उसमें सबने कहा कि हमें अन्योवासी हो मीरा और उड़े मानी हो, ये पता है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपका लेवल आज थोड़ा सा हाई करते हैं, और थोड़ा सा ऐसा वर्ड दे दें जो आप लोगों को नहीं पता। तो उसके लिए बने रहें, और मैं उसके लिए सोच भी रही हूँ, सिचुएशन भी देख रही हूँ कि अगर किसी सिचुएशन में कहीं यूज़ कर सकती हूँ मैं अभी, तो वही आप लोगों को डायरेक्ट दे दूँगी। ये है कोई बिल्डिंग जिसमें है सबसे ऊपर 45 फ्लोर पे आई गेस कैफ़े, जिसमें मैं जाऊँगी और वहाँ से देखूँगी आज सनसेट। तो बने रहें, मौसम है बड़ा कातिल, खो जाए ना कहीं आवारा दिल, मुश्किल है। दामसन जैसा लग रहा है, बट वो दामसन नहीं है गाइस, ये देजोन है, देजोन, देजोन इज़ यू। जब से आई थी ना, मुझे ये वाला पुल बहुत अच्छा लगता था, और मुझे एक दिन आना था इधर, तो मैं आ गई आप लोगों को लेके। ये ना रात में बहुत अच्छा चमक रहा होता है, मैंने इंस्टा पे ना इसकी रील भी डाली थी, आई थिंक इस पर भी डाली थी शॉर्ट्स यूट्यूब पर, अगर आपने देखे हो तो। तो अब मैं जा रही हूँ इस पुल पर, और मुझे जाना है उस बिल्डिंग में, सो चलें मेरे साथ।
लेट्स गो। और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। मुझे यहाँ आना था जब से मैं आई थी, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। यहाँ पे ना साइकिलिंग वाले भी जा रहे थे गाइस, बस यहाँ पे साइकिलिंग करने नहीं आ सकते। और गाइस ये पीछे पहाड़ देखो, मतलब तो पहाड़ यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू, सनसेट का यहाँ से भी व्यू बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है अगर आप देखें तो, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, और मुझे उस बिल्डिंग में जाना है, आगे नदी है, नहर है गाइस। साइकिलिंग वाले मिनू को बोलो यहाँ साइकिलिंग करने आ जाए यार, मुझे तो आती नहीं वरना मैं करती। चलो चले चलो 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 चलो, ऐसी 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 थोड़ा थोड़ा। तो गाइस ये जगह देख के मुझे बहुत ज़्यादा सुकून लाइक अच्छा लगा, क्योंकि ना मुझे इस तरह की कोई जगह चाहिए थी जहाँ मैं खड़े होके जो है इस तरीके का व्यू ले सकूँ। और दूसरा ये कि हाँ थोड़ा सा ना मतलब ये वाली जगह और फिर बाइसाइकिलिंग वाले जो नहीं रास्ता है, हन रिवर वाली फील दे रहा है ये जगह, बट स्टिल अच्छा लगा, मज़ा आया। आज मुझे बहुत 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 मज़ा आया इस जगह पे आके। मैंने बहुत सारी पिक्चर्स और रील्स बनाई है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उसको इंस्टा पे। तो मेरे इंस्टा को अगर आपने अब तक फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके इंस्टा पे भी फॉलो कर लें मुझे। और अभी चले मेरे साथ कॉफी। मैं सोचा था कि मैं ना सीवियस चैलेंज करूँ, जो उसको मैं करने में मुझे लग रहा है नाकाम हूँ बिल्कुल, बिकॉज लाइक मतलब मुझसे होता ही नहीं है गाइस। मतलब क्या मतलब पिंक 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 चीज़ें खाते रहो या कुछ दिखाते रहो, मतलब दिखाने को बहुत कुछ है मेरे पास। तो मैं आप लोगों को वो मैं खुद एक्सप्लोर कर रही हूँ अभी देजन, तो मैं आप लोगों के साथ देजन शेयर कर रही हूँ और मुझे मज़ा आ रहा है एक्सप्लोर करने में। तो सीवियस चैलेंज जो है वाली कहानी डिले करते हैं, बाद में कर लेंगे कभी सीवियस चैलेंज। तो क्या जिस दिन मेरे पास कुछ नहीं होगा ना वीडियो बनाने को, मैं उस दिन कर लूँगी। अभी मेरे पास बहुत कुछ है आपको दिखाने को, तो आप लोग मेरे साथ देजन देखें और इन्जॉय करें। वो वाले पुल से यहाँ आई हूँ और ये 38 फ्लोर पर है, यहाँ से आप पहाड़ी भी देख सकते हैं। देखम साहब मेरा गाइस ये है मेरा कुछ ऑर्डर। गाइस चेक दिस आउट, पिंक चैलेंज में ये देखिए मैंने पिंक कलर का आपको सनसेट दिखाया है साउथ कोरिया का। इससे ज़्यादा खूबसूरत पिंक चैलेंज क्या होगा गाइस कि मैंने आप लोगों को सनसेट पिंक कलर का दिखाया है। कोरिया में जब सनसेट होता है तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है, खासतौर पे जब आप इतने ऊपर वाली व्यू से देखो। यहाँ से ना सनसेट का नज़ारा करके मुझे याद आ गई मेरे सोल टावर की, जब मैं लोटी टावर पर गई थी सोल स्काई पर, वहाँ से मैंने देखा था और अब मैंने यहाँ से देखा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी थी तो प्लीज़ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या ऊपर भी यहाँ कहीं आ रहा होगा तो वो वीडियो भी जाके देखें। वो भी बहुत ही मज़े की है, क्योंकि वो जो है आई गेस 112 जो है वो फ्लोर था, सबसे इससे भी ऊँचा था, लेकिन यहाँ से देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। देजन मतलब एक असल में जिसे देजन कहते हैं ना, मैंने आज देखा है तो मुझे बड़ा मज़ा आया। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया और आप लोग इन्जॉय करें। अभी तो वीडियो स्टार्ट ही है और ये सनसेट हो रहा है। मेरी कॉफ़ी उस साइड पे रखी है, सॉरी कॉफ़ी बोल रही हूँ, मेरी तालगी योगर्ट, क्योंकि मैं हमेशा जो है कुछ ना कुछ पिंक या तालगी वाला लेती हूँ, तो मैंने अभी भी वही लिया है। मैं जाती हूँ और अपने फ्रेंड्स के साथ इन्जॉय करती हूँ और फिर आप लोगों से बात करती हूँ दोबारा। चलिए चलिए चलिए, ये रहा वो सनसेट और नीचे का भी एरिया, आराम से देखें आप लोग। टाटा बाय बाय। तो गाइस ये है बेसिकली वो जगह जहाँ मैं आई थी। आज पूरा दिन मैंने एंजॉय किया और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ दूसरी जगह। तो जब आप किसी जगह से निकल रहे हो, आज का कोरियन लेसन, जब आप किसी जगह से निकल रहे हो लाइक मतलब वहाँ से आपने एग्जिट लिया है या फिर आपने जो है वहाँ से जा रहे हैं, तो आप बोलते हैं चुरबल चुरबल हगिस से मीरा। तो अब मैंने यहाँ से लिया है चुरबल, तो मैं कहीं और जा रही हूँ तो उसके लिए जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी तो उसे कहते हैं दुचक। दुचक मतलब अराइवल। सो अराइव करना कहाँ पर, कहीं पर, तो हम बोलते हैं दुचक हिस्से मीदा। तो जब मैं यहाँ से जा रही हूँ
तो ज़्यादातर कोरियंस जो है जब अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं या फिर अकेले होते हैं तो वो ना चुलबुल, सिर्फ चुलबुल यूज़ करते हैं कि जा रहे हैं अब निकल रहे हैं ना, चुलबुल 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 हिस्सो चुलबुल हक के हो इस तरीके से। लेकिन जब आप बहुत ही फॉर्मल वे में बोलते हैं तो आप बोलते हैं चुलबुल हगिस्मिदा। सो मैं अभी कर रही हूँ चुलबुल यहाँ से, और जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ मैं पहुँच के बोलूँगी थुचक हिस्मिदा। अभी मैं स्टॉप पर हूँ और वेट कर रही अपनी गाड़ी का, और मैंने जो है जो यहाँ पे एक्सपो टावर था वहाँ से चुलबुल कर लिया है, चुलबुल हिस्मिदा मतलब एक चुलबुल हगिस्मिदा, यहाँ से चुलबुल करके मैं जा रही हूँ दूसरी जगह। तो कोरियंस जब आपस में बोलते हैं तो वो बोलते हैं चुलबुल हगिस्मिदा। आज से याद कर लें, जब भी कहीं निकल रहे हैं या फिर कहीं से आप एक्सिट ले रहे हैं तो आप बोलेंगे चुलबुल हगिस्मिदा। लेकिन एक और वर्ड है जो मैं आप लोग और सिखाऊंगी, वो भी कहीं से जाके आने के लिए होता है, जो ज़्यादातर जो है मिनहो अपने जो भी स्टेटस में इंस्टा पे यूज़ करता है जब वो दूसरे मुल्क जा रहा होता है, तो वो होता है धानियो गिस्मिदा, लाइक धानियो उड़के हो, ज़्यादातर वो होता है धानियो उड़के हो, उसका मतलब है जाकर आता हूँ। जब हम लोग कहीं जाकर वापस आते हैं तो उसको जैसे हम नानिया भी बोलते हैं ना, यार मैं अभी आ रही हूँ, हम ये नहीं कहते मैं जा रही हूँ, तो वो भी इस तरह बोलता है मैं जाकर आता हूँ। तो वो किसी भी दूसरे मुल्क जाता है तो वो हमेशा बोलता है चुलबुल सॉरी धानियो गिस्मिदा धानियो उड़के हो। तो वही चीज़ जो है मैं आपको सिखा रही हूँ, जब आप स्कूल जा रहे हो या आप कहीं भी जा रहे हैं कॉलेज जा रहे हैं तो अपने घर में बोल के जा सकते हैं धनियो की हो, धनियो की सिमिदा इस तरीके से। बिल्डिंग जिसके ऊपर मैं थी, और ये है शिनसेगे, ये डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसमें मैं आप लोगों को लेकर आऊँगी बट बाद में। और आप मौसम देख सकते हैं कितना खूबसूरत हो रहा है, पिंक 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 चैलेंज हाँ। और यहाँ से मैं बस का वेट कर रही हूँ, वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ पिंक दिख जाएगा, वो वाला पुल जिस पर मैं थी शाम में, अब कितना कलरफुल हो रहा है वो। और मैं यहाँ वेट कर रही हूँ अपनी बस का। तो आज के तीन वर्ड आई होप आप लोगों को याद हो गए होंगे, जिसमें है चुलबुल हगिस्मिदा, चुलबुल थुचक मतलब कहीं अराइव कर जाना, थुचक हिस्मिदा, और थानियो गिस्मिदा या थानियो उड़के। मैं इस वीडियो को यही एंड करती हूँ, क्योंकि जहाँ जा रही हूँ वहाँ मुझे बहुत सारा काम है और बहुत सारी ना मगजमारी करनी है, उसके बाद मेरी हालत नहीं बचेगी वीडियो बनाने की। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, गो टू माय इंस्टा एंड फेसबुक चैनल एज वेल, सपोर्ट देयर एज वेल, आंटी दैट लव यू, बाय बाय, सॉरी।